हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे, ये जो वैकेंसी निकली है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, इसमें निकली है रिक्वायरमेंट सेक्शन। यहाँ पे ने बता रखा है ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसीज है अंडर अप्रेंटिसशिप 1961 के, यहाँ इसका नोटिफिकेशन नंबर बता रखा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो 14 सितंबर 2024 से शुरू हो चुका है, जो लास्ट डेट रहेगी 13 अक्टूबर 2024 है। यहाँ पे ने बता रखा है एंगेजमेंट ऑफ IT ट्रेड अप्रेंटिस की रहेगी अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के उसके तहत रहेगी। एंड यहाँ पे उन्होंने बता रखी है जैसे फिटर ट्रेड में 46 वैकेंसीज है, टर्नर ट्रेड में 7 वैकेंसीज है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपने IT जो है फिटर ट्रेड में किया होना चाहिए, अगर आप टर्नर के लिए कर रहे हैं तो टर्नर ट्रेड में किया होना चाहिए। अगर आप मैकेनिक्स के लिए कर रहे हैं 10 वैकेंसीज है, आपने जो अपनी IT मैकेनिक्स या मैकेनिक्स ग्राइंडर में किया होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिशियन के लिए कर रहे हैं तो 22 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन में किया होना चाहिए। अगर आप मैकेनिकल मशीन टूल मेंटेनेंस में कर रहे हैं तो आपने अपने जो ITI है मैकेनिकल टूल मेंटेनेंस में किया होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में कर रहे हैं 15 वैकेंसीज हैं, यहाँ पे भी आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में की होनी चाहिए। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन इसके लिए कर रहे हैं अप्लाई, तो यहाँ पे स्पेशली बता रखें अगर आप इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए कर रहे हैं 18 वैकेंसी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में की होनी चाहिए। अगर आप ड्राफ्टमैन मैकेनिक उसके लिए मैकेनिकल के लिए कर रहे हैं 12 वैकेंसीज आपने अपनी जो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में की होनी चाहिए। यहाँ पे बता रखें यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे बता रखिए, जैसे मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में 9 वैकेंसीज है, प्रोसेस पावर प्लांट उस ऑपरेटर में 12 वैकेंसी, कारपेंटर की 4 है, मैसन एंड सेल मिस्त्री की 4 है, प्लम्बर की 2 है, एंड यहाँ पे वेल्डर की जो है गैस एंड 14 है, हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट की 3 है, पासम यानी प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की टोटल 19 है। यानी जो टोटल वैकेंसी रिलीज हुई है 198 है, जिसमें से SC की 29 है, ST की 14 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों की 53 है, EWS वालों की 19 है, और जो अनरिजर्व वालों की 83 है। यहाँ पे इन्होंने उसका स्टाइफंड बता रखा है, जिन कैंडिडेट के पास क्वालिफिकेशन ITI किया हुआ है 2 ईयर्स की ड्यूरेशन के साथ, उनको जो यहाँ पे स्टाइफंड दिया जाएगा 8,050 रुपये, और जिन्होंने यहाँ पे ITI कर रखी है 1 ईयर की ड्यूरेशन के साथ, उनको यहाँ पे 7,700 रुपया पे किया जाएगा। ट्रेनिंग की आपके यहाँ पे प्लेस रहेगा इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ये आपका यहाँ पे सेंटर रहेगा, यहाँ इन्होंने पूरा एड्रेस दे रखा है। 1 ईयर की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। कैंडिडेट की एज बता रखें, मिनिमम जो है 18 ईयर्स तक पहुंचे, मैक्सिमम जो है 24 साल तक पहुंचे। आपकी जो एज काउंट की जाएगी 13 अक्टूबर 2024 तक काउंट की जाएगी। रिलैक्सेशन बता रखिए, ST एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों को दी जाएगी, SC ST वालों को 5 ईयर्स की रहेगी, OBC वालों को 3 ईयर्स की रहेगी, और आपके पास रेलिवेंट सर्टिफिकेट होने चाहिए तभी होगी। इसके अलावा अगर आप डिसेबल हैं तो आपको यहाँ पे, अगर आप OBC में आ रहे हैं तो आपको 13 ईयर्स की रहेगी, अगर आप SC ST में आते हैं तो 15 ईयर्स की रहेगी। यहाँ पे स्टाइफंड बता रखे हैं कितना दिया जाएगा, 8,050 किया जाएगा अगर आपने IT 2 ईयर के उसके साथ की हुई है ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ। अगर आपने 1 ईयर का IT ट्रेनिंग कोर्स किया तो आपको यहाँ पे 7,700 रुपया दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर बता रखे हैं कि कैंडिडेट को जो अपना ITI सर्टिफिकेट, जैसे इन्होंने बता रखे हैं आपके इस इन ट्रेड में होना चाहिए, अगर आप इसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो, और आपने जो अपने ITI में मार्क्स सिक्योर किए उसके बेसिस पे आपकी यहाँ पे सिलेक्शन रहेगी। यहाँ पे इन्होंने वही बता रखा है, इन द टाई अगर आपके ITI में होते हैं तो जो आपने 10th या 8th में अपने हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर किए उसके बेसिस पे रहेगी। यहाँ पे वही बता रखा है, सिलेक्शन लिस्ट है इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप यहाँ पे इन्होंने पाथ बता रखा है अपॉर्चुनिटीज के बाद रिक्वायरमेंट एक्शन फॉर द, इसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी किसकी ऑफिशियली वेबसाइट उन्होंने लग चेक करती रहनी है, और जो शॉर्टलिस्टेड रहेगी उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जिनको अपियर होना होगा वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन बता रखिए, आपने अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले पूरी इसकी एडवर्टीजमेंट अच्छे से पढ़ लेनी है। एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकता है, और जो कैंडिडेट यहाँ पे ट्रेनिंग कर चुकी है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सिलेक्टेड कैंडिडेट को लगता है कि जब भी अपना मतलब उनको आना होगा यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अपने जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अपना जो है डिपॉजिट करवाना होगा। यहाँ पर वही बता रखे, अगर आप यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए हो जाते हैं तो उससे पहले आपको एक जो है अप्रेंटिसशिप के कॉन्ट्रैक्ट को जो है एक एग्जीक्यूट करना होगा। यहाँ पर वही बता रखे है, कैंडिडेट के पास एक अपनी वैलिड एंड जब भी आपने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है तो आपके पास एक वैलिड पर्सनल ईमेल ID और मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो आपने पूरे रिक्वायरमेंट प्रोसेस के दौरान मतलब चेंज नहीं करना है। नो चेंज इन ईमेल आईडी इट विल, अगर आपने एक बार रजिस्टर्ड कर दिया तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। या अप्लाई कैसे करना है, जो भी एलिजिबल एंड टेस्टेड कैंडिडेट है उसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे पहले आपको ये जो पोर्टल बता रखें यहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, एनरोलमेंट करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, अगर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं की, यहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है वो आपने वहाँ पे जाके भरना है, तब आपके यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा मैंडेटरी। इसके अलावा आपको जो आधार के जो उसकी EKYC रहती है वेरिफिकेशन रहेगी यहाँ से ही आपकी जाके होगी, इसलिए आपने अपनी ईमेल आईडी जो भी मोबाइल नंबर भरना है वो करेक्ट होना चाहिए आपके उससे कनेक्ट। एप्लीकेशन लिखा है कि आपने ऑनलाइन मोड से ही भरना है,
यहाँ पे ने बता रखा है 14 सितंबर 2024 से शुरू हो चुका है और 13 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी इसकी। आपने यहाँ पे इसका पाथ बता रखा है, अंडर द टैब अपॉर्चुनिटीज़ में जाएंगे, रिक्वायरमेंट में जाएंगे, ये आपका पाथ रहेगा। जो भी आपने जनरल इंस्ट्रक्शन है एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है, डिटेल्स वगैरह अच्छे से चेक कर लेनी है। जब भी आपने अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो आपने अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लेने हैं, जैसे अपना कास्ट सर्टिफिकेट उसको जो है स्कैन करके रख लेना PDF फॉर्मेट में, जिसका साइज़ है 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, इनका भी साइज़ लेकर कि 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में एंट्री रहेगा। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो बना एप्लीकेशन लिखा है कि सबमिट करने से पहले एक बार आपने अच्छे से चेक कर लेने कि आपने अपना जो नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भरी है चेंज, अगर आपने एक बार फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। अगर आपका इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है और आपने डॉक्यूमेंट गलत अपलोड किया हुआ है तो उसको सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट को लिखे कि मतलब हॉस्टल अकोमोडेशन के साथ प्रोवाइड किया जाएगा, ऑन चार्जेबल बेसिस पे रहेगा ये। यहाँ पे ने बताया कि आपने कैसे करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रहेगी, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट रहेगा। यहाँ पे जब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है तो आपको ये अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे, इसके साथ साथ एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके आने की। जैसे आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका एक ऑनलाइन जो प्रिंट आउट निकलवा के रखना है वो लेके आना होगा, और आपने जो अपने लोकल पुलिस स्टेशन से वेरिफिकेशन करा के वो लेके आना, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा, आपका 8th का सर्टिफिकेट रहेगा, आपने जो ITI कर रखी है उसका सर्टिफिकेट, अगर आप रिजल्ट कैटेगरी में आते हो उसका रहेगा, आधार कार्ड करेगा, पैन कार्ड करेगा, PWD में आते हो सेविंग बैंक अकाउंट एंड पासबुक वो रहेगी। इसके अलावा आपने यहाँ पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया होगा अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर वो रहेगा, कोई भी आपको TADA नहीं दिया जाएगा अगर आप इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आते हैं। तो कैंडिडेट को लिखा कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। तो आप जैसे इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे आप इसके रिक्वायरमेंट जाएंगे, यहाँ पे न्यू वैकेंसीज एंड रिजल्ट आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से आपको इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से नोटिफिकेशन चाहें तो आपने अगर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपने ईमेल आईडी करनी है, उसको वेरीफाई करेंगे, यहाँ से आप जाके ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।